जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। फिलाटेक्स बेसिकली एक सॉक्स बनाने वाली कंपनी है। स्टॉक मार्केट में काफी चर्चा में रहने वाले स्टॉक है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक का प्राइस खूब नीचे गया है, लेकिन अब चूंकि इसके फंडामेंटल और मैनेजमेंट में सुधार हुआ है जिसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि तेजी आने लगी है और कुछ सुधार ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अब आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, यानी कि जो प्राइस नीचे आ रहा था प्राइस अब बढ़ेगा। तो इस वजह से इस स्टॉक की डिमांड और भी ज्यादा हो गई है हमारे यदि पेन स्टॉक की दुनिया में बात करें तो। चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि किस हिसाब से वहां पे लेवल निकल के सामने आ रहे हैं, किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड जो कंपनी है अब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के विजन को ध्यान में रखते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब हम बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर इस कंपनी का डिटेल्स लेने आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड आपको ये सेमेस्टर जीवन की श्रेणी में दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे जा रहा था, तो जो बहुत तेजी से किसी कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा होता है, बहुत दिनों से नीचे जा रहा होता है, तो सेबी जांच करने के लिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है किसी स्टॉक में, उसको ईएसएम एएसएम या जीएसएम जैसी कैटेगरी में डाल देती है। हालांकि स्टेज वन की कैटेगरी है, यानी कि अब बाहर निकल सकती है और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा और बनते हुए दिख भी रहा है, जिस वजह से यहाँ पे देखेंगे आप कि इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और ये तेजी अब आपको आगे भी देखने को मिलते रहेगी। कॉर्पोरेट एक्शंस में यदि मैं दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ है। अगस्त मंथ में 9 अगस्त को इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट रखा गया था और रिकॉर्ड डेट होने के बाद, चूंकि 9 अगस्त को रिकॉर्ड डेट था स्टॉक स्प्लिट का, 5:1:5 के रेशियो में इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, 1:5 शेयर्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपने जिसने भी डेट के पहले बाय किया होगा उसको तो ये स्टॉक स्प्लिट का जो बेनिफिट है वो मिल गया होगा। और जब आप यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे, स्टॉक डिविडेंड भी देता है समय समय पर, इस स्टॉक में डिविडेंड भी मिलते रहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इस लिहाज से भी आपका कमाई धमाई हो सकता है। अब पहले बात कर लेते हैं फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी के जो शेयर प्राइस में लगता है गिरावट पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी उसकी, और अब तेजी जो आने वाली है इसकी। देखिए गिरावट नहीं था दरअसल, जैसे मैंने बताया कि कभी हाल ही में कंपनी ने स्टॉक का स्प्लिट किया है, तो स्टॉक स्प्लिट या बोनस के बाद क्या होता है कि जब भी कंपनी कोई इस तरह की कॉर्पोरेशन करती है तो उसके बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो प्राइस का एडजस्टमेंट होने के लिए भी, और सामान्यतः ऐसा देखा भी गया है कि जब भी कोई कॉर्पोरेशन होता है तो उसके बाद प्राइस में गिरावट नहीं होता, दरअसल करेक्शन होता है, तो वही करेक्शन इस स्टॉक में यहाँ पे आपको होते हुए दिखने को मिला, जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया। लेकिन अब जिससे मैंने बताया कि सारे कॉर्पोरेशन फिलहाल हो गए हैं और अब जाके प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो स्थिर हो गया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का भी फॉर्मेशन होते हुए दिखा। जब भी चार्ट पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होते हुए दिखे तो आप समझ जाए कि प्राइस को ऊपर जाने का समय आ गया है। जरूरी है कि प्राइस इस लेवल को, जो 1.5 रुपए का लेवल है, इसको एक बार ऊपर निकाले, ब्रेकआउट करे, इसके बाद इजीली ये प्राइस इस रेंज बाउंड में आ जाएगा 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए। और हमें वेट इसी चीज का है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस एक बार 2.5 से 3 रुपए के बीच में आ जाए, यहाँ आकर समय बिताने लगेगा और उसके बाद क्या होता है कि किसी भी रेंज में जब जितना लंबा समय बिताता है तो बाहर निकलता है, इससे ऊपर की तरफ जाता है, नहीं नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे बहुत लोग कह सकते हैं यहाँ पे तो नीचे आ गया था क्योंकि यहाँ पे भी रेंज बाउंड में समय बिताया था, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था और कॉर्पोरेट एक्शन जब भी होता है तो प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, उसमें करेक्शन होता है, इसलिए प्राइस नीचे आया था। बाकी मैं अपने हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, 90 से 95% चांस होता है ब्रेकआउट ही होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ऐसा होता भी, मैं दिखाता भी हूँ अपने अक्सर वीडियो में चार्ट पे। तो यहाँ पे अब बहुत जल्द प्राइस 1.5 रुपए के लेवल को ऊपर निकालेगा, आप बस वेट कीजिए 1.5 रुपए के लेवल को ऊपर निकाले, उसके बाद नया व्यक्ति यहाँ पे चाहे जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया लॉन्ग टर्म के, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकता है और लॉन्ग टर्म के सोच रखेगा तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी यहाँ पे एक चीज मैं आपको तो दिखाऊंगा, इन्वेस्टर्स में जो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं तकरीबन 25% के आसपास कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। थोड़ी बहुत इसमें यहाँ पे FIIs की हिस्सेदारी है लेकिन बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट करके चले, लेकिन मेन चीज है कि कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ही, ये बढ़िया चीज है। प्रमोटर्स जिस कंपनी में होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाए, तो इसलिए ये पेनी स्टॉक तकरीबन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लगभग बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है, इस मामले में तो बेहतर है, प्लस फंडामेंटल की कैटेगरी में बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट देखेंगे कंपनी का रिजर्व देखिए 1469 करोड़ के आसपास कंपनी का सिर्फ रिजर्व पैसा फ्री कैश फ्लो जो होता है पड़ा हुआ है, यानी कि इसके मार्केट कैप से भी ज्यादा, मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास है। कोई भी पेनी स्टॉक 1000 करोड़ का मार्केट कैप सामान्यतः नहीं होता है। और डेप्ट देखेंगे तो कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपने डेप्ट को भी लगता है, हालांकि ओवरऑल देखें तो डेप्ट अभी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर के, पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो इस साल कंपनी ने अपने डेप्ट को भी कम किया है। ओवरऑल बात करें तो देखिए फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड सॉक्स बनाने वाली कंपनी है, फैशन के क्षेत्र में कारोबार करती है, काम के हिसाब से भी बढ़िया है,
प्लस कंपनी का मार्केट का और जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से भी मैंने आपको बताया कंपनी ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। जो लेवल चार्ट पे मैंने बताया है उसका ध्यान रखिए, अगर उस लेवल पर बाई करके चल सकते हैं, बाकी जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है वो अभी होल्ड करके चलें। उम्मीद करता हूँ जो छोटी सी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। बहरहाल आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।